है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, वो ये नहीं जानते हैं शब्दों में इतनी ताकत होती है कि सब जो है तूफान को रोक देते हैं। असर ये है कि शब्दों के अर्थ को आप निकालने वाला, अगर शब्द में ताकत नहीं होती तो क्या जरूरत थी अगली बार भगवान के सामने कर पाया था, वो तो काट सकता था उनको, जो बहुत नहीं जिसको कर पाई वो खुद के सामने काम पर आता था, खत्म कर रहा था, खुद के आपको खा रहे थे क्या, केवल साथ खड़े थे। सबसे बड़ी बात तो ये है लोगों में कि जो डायरेक्शन थे उसमें एक डायरेक्शन पैदा करते थे, डायरेक्शन में काम नहीं करते। जो डायरेक्शन में काम करता है सीधा अपनी मंजिल पर पहुंचता है। यहां क्या है, जितने लोग ये बोलते हैं कि काशीराम की काशीराम की काशीराम की, मैं ये कह सकता हूं 80% झूठ बोलते हैं लोग। बिल्कुल ठीक बोला, 80% झूठ बोलते हैं। और मैं पार्टी लोगों की बात बता रहा हूं, बहुत लोगों ने बदनाम किया, मैं कभी भी किसी पार्टी पर बात नहीं करना चाहता। आपने बात शुरू कर दी है इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी करनी पड़ी। मायावती ने कभी धन नहीं मांगा, मैं आपको बता रहा हूं कि धन मांगा उनके कोऑर्डिनेटर से, उसको दिया 50,000 खा गए 5,00,000। बदनाम कौन हुआ, मायावती नोटों की देवी है, उसको नोट चाहिए। कौन देख रहा है, ब्लैकमेल कौन कर रहा है, वही लोग कर रहे हैं जो उसके अंदर घुसे हुए हैं। मैं उंगलियों में गिना सकता हूं आपको, 50 साल से नामा देख रहा हूं, मैं आज का नहीं हूं, 72 वर्ष की उम्र हो गई मेरी। मैं पूरे देश के नेताओं को, जगतगुरु शंकराचार्य को, सबको जानता हूं, और यहां जो बैठा हूं ना आपके बूते में थोड़ी बैठा हूं, इतनी भीड़ मेरी सुन रही है, मैं तो ओपन में खड़े होकर उनसे टकराने को तैयार है। मुझे मरने की चिंता नहीं है, आगे भी नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है, समझ रहे आप। गलती से मैं दिल्ली में फंस गया किसी बुद्ध विहार में, लेकिन तो भूस की झोपड़ी में रहता हूं, मुझे कोई बुद्ध आदमी चिंता नहीं है। इसको मैंने आशीर्वाद क्यों दिया, 25-30 हजार रुपए की नौकरी इसकी जेब में रखी हुई है, ध्यान से सुनना मेरी बात। डीएम से ये नौकरी भी इसको मिली, बहुत लोग जानते नहीं है, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री था इसने जो जन आंदोलन किया, डायरेक्ट दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री ने लेटर लिख करके डीएम को दिया ग्वालियर के लोगों को, इस लड़के को कहीं भी किसी भी जगह 24 घंटे में नौकरी देकर के मुझे सूचना दे। ये अनपढ़ भी नहीं है, पढ़ा लिखा है, आईएएस कर रहा था, लेकिन पैरों की वजह से इसके बाप ने इसको उठा के फेंका, मर जाए तो ठीक है। अब जनदेश ने क्या किया, भिक्षुओं ने इसको सपोर्ट किया, इसने सब्जी की ठेल लगाई, सब्जी इसने बेची है ना, लेकिन नौकरी की तो स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। डीएम इससे कहता है कि तू नौकरी कर आगे, ये आरएसएस की जी बात छोड़ दे। इसने कहा कि नौकरी का छोड़ने में मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन जिस रास्ते में मैं निकल गया मैं इसको छोड़ने वाला नहीं, चाहे बहुत नहीं है, समझ रहे आप। अब इतना बड़ा त्याग लेके जो आदमी खड़ा हुआ है, आप उसे क्या समझेंगे, उसको आपको क्या इसकी पीड़ा समझ में आएगी आपकी, में और क्या बंदिश का समझेंगे आप। मैं जब ग्वालियर में इसके पास गया था, मैं हमेशा पूरे देश में जब जाता हूं तो मुझे प्लेटफॉर्म रिसीव करने के लिए आदमी आता है, क्योंकि मैं जगह जानता ही नहीं, जब मैं जानता नहीं हूं मैं जाऊंगा कहां, वो देता हूं प्लेटफॉर्म पर आओ और मुझे वहां से भी लेके चलो कहां मैं जाना चाहती हूं, ठीक है। तो इसने मुझे बुलाया, मैंने इसको बोला प्लेटफॉर्म पर किसी को भेजते भी तू आगे ना खोज, मैं चलूंगा। इसने किसी को भेजा मेरे पास, मैंने बोला उसको, मैंने वो कहा राखन बैठा हुआ, मुझे बुला दिया तुझे
में भी बैठा हुआ, तू आ नहीं सकता था क्या? जब मुझे बताया कि ये पैरों से बेकार है तब तेरी समझ में आया। मैंने कि ये तो मुझे बड़ी गलती कर दी, मैंने उसी समय इसको आशीर्वाद दिया। और इसलिए मैं आपसे कह रहा था, आधा आदमी जब आपकी समझ में नहीं आया आधा, तो पूरा क्या समझ लेंगे आप? बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेक्चर देते हैं, तमाम मैं सुनता हूं सबकी, कोई हिस्ट्री में पीएचडी है, कोई अर्थशास्त्र में पीएचडी है, किसी ने डीलिट किया है, किसी ने 12 एफला किया है, लेकिन मैं एक बात बताता आपको, बुद्ध ने आदमी को पढ़ा था, और आदमी को पढ़ने से पहले उसने अपने आप को पढ़ा था, अपने मन को पढ़ा था, अपने तन को पढ़ा था, आदमी की बात नहीं। उसके बाद उसने लोगों से कहा कि अर्थ दीपो पा, अपना दीपक आप बन। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात समझी, से मेरे साथ सारे जुल्म अत्याचार का सिर्फ 3 कारण है, भाग्यवाद, ईश्वरवाद और आत्मवाद। मेरा समाज सदियों से गुलाम है भाग्य का, आत्मा का और ईश्वर का। जो ईश्वर में विश्वास करता है वो क्या प्रोग्रेस करेगा? जिसने भाग्य को मान लिया है वो क्या सिद्धस करेगा? जो मरने के बाद आत्मा में विश्वास करता है वो क्या करेगा? मैं लोगों से कहता हूं कि भाई जितने लोग मरे, आत्मा कभी मरती नहीं है, अजन्मा है। जब आत्मा मरती नहीं है तो मरता कौन है? जातवा में लोगों से पूछा, सारे संसार के लोगों का जन्म लेने का रास्ता एक है, तो दो कहां से आ गए? दो तो आदमी औरत है, दो आया कहां से? दो लोगों ने बनाया। ये मंदिर झूठा मंदिर झूठी भारत का कोई भी इतिहास था, मैं बता रहा हूं आपको, यहां आप यहां बैठे तो हॉल में बैठा हूं, कोई भी भारत का इतिहास था ये सिद्ध नहीं कर सकता कि राम कभी ना पैदा हुआ था। मैं कहता हूं राम ना पैदा कभी हुआ ही नहीं था, इस देश में ही नहीं हुआ था पैदा। ये बता रहा हूं, वो सब जानते हैं कि नहीं हुआ था, लेकिन इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना प्रोपेगेंडा करो, इतनी गुंडागर्दी करो, इतनी बदमाशी करो, तोड़ दो सब कुछ कर दो, और बाद में कह दो ये तो भावना का प्रश्न है। मैं क्या कहता हूं, शोषित सर्वहारा समाज पर जुल्म होता है, तो ये ऐसी जो समस्या की तरह ना, ये संघर्ष करेगा क्यों करेगा? कि ये भावनाओं का संपर्क, अत्याचार भावनाओं का संपर्क है। लोग बोलते हैं राजनीतिक पार्टी का होना बहुत जरूरी है, अगर राजनीतिक पार्टी तो मजबूत होगी जब आपके वोट होंगे। जिन लोगों से बैठ करते हैं उनको तुम सपोर्ट करते हो और उनका हर बार में मैसेज चाहिए जाता है, एक भी वोट नहीं देना उधर इधर देना, वो लोग हारते हैं वो लोग जीतते हैं। ये राजनीति की शपथ जो लोग बोलते हैं आगे बताते हैं, अरे आप तो 0% में, आप तो कुछ भी नहीं है, आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं है, आपके पास कैलकुलेशन भी नहीं है, उनके पास कैलकुलेशन है। पूरे देश में कितने श्रमिक के हैं, धोबी कितने हैं, धानू कितने हैं, मैदर कितने हैं, चलान कितने हैं, लंबसिया कितने हैं, उनके पास सारा कैलकुलेशन है। अब हम जानते हैं आपके साथ ये अत्याचार होता है बहुत, ये देश में ये दुनिया के लोग तो आपके साथ नहीं आते, ये करते हैं। बाबा साहब ने कहा था, मैंने तुम्हें बुद्ध का संदेश दिया है, तुम बौद्ध तो हो जाओ, मैंने तुमको सारे संसार के लोगों से जोड़ दिया। जब जब इस देश में अत्याचार होता है क्या मैसेज होता है मालूम है? दलितों पर अत्याचार, हरिजनों पर अत्याचार, मीडिया लिखता है सहारनपुर में दलितों पर अत्याचार, अंतर्राष्ट्रीय टीम जाती है भारत में दलितों पर अत्याचार। वो विदेशी बुद्धिस्ट लोग पूछते हैं पूरी इस दलित बोलते हैं, वो दलित लोग फिरते रहते हुआ ऐसे ही उनका समाज है टुकड़ों में बैठा हुआ है, बोलते हैं अरे तो आपको कैसे दिखा देगा? बाबा साहब ये चाहते थे
जिस दिन दुनिया के कोने में ये मैसेज आएगा कि भारत में बहुतों पर अत्याचार, यूएनओ में, अमेरिका में, यूएस में लोग पूछेंगे कि ये भारत में बहुतों पर अत्याचार क्यों हुआ? जानते हैं आप कैसे किया आपकी बताओ मेरे को, कौन सुनाएगा? कितनी बार पासपोर्ट में बातें हुई? लंदन में कौन बात करता है? अमेरिका में कौन बात करता है? ये वो लोग बात करते हैं जो भारत के लोग में फंसे हुए हैं। समझ रहे मेरी बात को? लोग सोचते हैं ये भद्दे लोग क्या करेंगे, मैं एक बात बताता हूं आपको, बुद्ध गया इशू के ऊपर मैं इंद्रजीत गुप्त से बात कर रहा था। ये बात है दैट टाइम होम मिनिस्टर, इंद्रजीत गुप्त को नाम जानते होंगे आप। मैं जब मिलने गया तो मैं बोला वहां लोग भत्ते पर बैठे हैं, कोई भत्ते मर जाएगा तो इंद्रजीत गुप्त से क्या बोले? अरे भत्ते जी बहुत मर जाते हैं, हम भी ऐसे बैठा देते थे पहले और कहते थे जल्दी सुनो नहीं तो मर जाएंगे वो। ऐसा नहीं है, वो सच में मर जाएंगे। मर जाएंगे तो मरने तो एक आदमी हूं। मैं बोला अगर मैं मर जाऊं तो तुम मर जाओ, अच्छा तो मैं मरने को तैयार हूं। यही जब करता हूं नीचे तो बोला के मर जाओ, मैंने ऐसे थोड़ी मरूंगा। तो बोले कैसे मरोगे? मैं तुमको उठा के तुम्हें साथ लेके कूदूंगा नीचे, तुम भी मरो मैं भी मरूंगा। तब तो लगा के सरकार को एक बहुत मिशन पर गया करते हैं तो घबरा गया, कब कब आ गया और मेरे से बोला आप हयात ही पहुंच पाएंगे, आपका सेकंड बुद्धि सुन जाएगा, आप जाओ। सेकंड बुद्धि हुआ। जो लोग मरने से डरते हैं हमेशा वही लोग गुलाम बनेगा। बाबा साहब ने क्या कहा था? मुझे भेड़ों की जरूरत नहीं है, मुझे शेर चाहिए। और मैं जब बोलता लोगों से तो लोग कहते हैं हत्या बहुत खराब है। अबे तू मुझे खराब क्या बता रहा है? तेरा सर्टिफिकेट चाहिए क्या मुझको? तू आगे दिखाई करेगा मेरे को कि मैं बुद्धिस्ट हूं या नहीं हूं, मैं भिक्षु हूं या नहीं हूं? तेरे आइडेंटिफिकेशन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा कर्म ही मेरा आइडेंटिफिकेशन है। डॉक्टर अंबेडकर की जो आईडी एजुकेशन थी वो डॉक्टर अंबेडकर का आइडेंटिफिकेशन था। ये सबने समाज संघ जो है तुम कुर्बान होना चाहते हो अपनी कम्युनिटी के लिए अत्याचार नहीं हो, तुम ये चाहते हो कि इस कौम पर कहीं भी कोई आदमी उंगली नहीं उठाए, तो अगर 100 आदमी मरने को तैयार हो तो मैं ये बता रहा हूं 100 आदमी अगर पेट्रोल लेके पार्लियामेंट के सामने खड़े हो गए कहेंगे आई एम यानी रेडी टू डाई, तो मैं ये कह रहा हूं ये गवर्नमेंट खिलेगी। और आप मेरे बारे में जानते नहीं है, मैंने 200 बार यानी गवर्नमेंट को उंगलियों में नचाया है। 18-18 घंटे तक मैंने दिल्ली की सरकार को जाम रखा है। मैंने ऐसे ऐसे आंदोलन किए हैं कि ट्रैप वाला को बीच में से यात्रा छोड़ करके उससे मिलने के लिए दिल्ली में आना पड़ा है। लेकिन जानते हैं आतुर भेद कब होता है? जब हिजड़ों की फौज किसी सेनापति के पीछे लग जाती है तब वो आंदोलन फेल होता। बाबा साहब अकेले शेर थे लेकिन वो गीतड़ों का नेतृत्व कर रहे थे और वो गीतड़ जो ग्राम थे उन्होंने उनकी जंजीरों को तोड़ा और उन गीतड़ों को उसमें से निकाल के बाहर लाए। जब उनको हवा लगी बिल्डिंग में रहने लगी, एसी में रहने लगे, पैंट सूट पहनने लगे, कारों में घूमने लगे, फिर तीन मंजिले मकान बन गए, कई कई गाड़ियां उनके पास हो गई, तो क्या कहते हैं अरे ये नेता लोग पगले हैं, ये क्या है, हम तो संपत हैं। एक डीएम गया का मेरे से कहता था भत्ते जी मैं आज बहुत खुश हूं। मैं क्यों? हमारे बाप दादे गुरु जी देसी दारू पीते थे, आईएस कहता आईएस, हमारे लोग देसी दारू पीते थे। आज बाबा साहब की कृपा से मैं स्कॉच विस्की पीता हूँ शाम को बैठ के, मैं समझता हूँ बाबा साहब कितने महान थे। इतना बड़ा गुण आदमी ये आईएस कह रहा है कि मैं आज सौभाग्य हूँ कि बाबा साहब की वजह से मैं विस्की पी रहा हूँ। क्या बाबा साहब ने इसीलिए संविधान बनाया था कि तुम विस्की पी? या बाबा साहब ने इसीलिए ये कहा था कि तुम बिल्डिंग में जाके रहो? तुम में से बहुत सारे लोग तो अपने ही भाइयों से नफरत करते हैं,
पतियों के बीच में कोई जाता है, है? चाय पीने को डर लगता है, दूसरी को अरे आप जाते हो तो एक ही बात थोड़ी कह रहा हूँ, इससे पूछ रहा हूँ सामने वाले से, है ना? नहीं जाते, डर लगता है। मैं किसी भी कॉल में जाता हूँ, मुझे लोगों ने बोला यू आर बिलोंग टू जमात कम्युनिटी, मैंने कहा जो तू मान ले उसी कम्युनिटी का हूँ। उसके बावजूद भी लोग मुझसे कहते हैं यार जमात नहीं है, ये तो चार्ट है, कोई बात नहीं है, बहुत खड़ी खड़ी भाषा बोलता, सीधा सीधा सुना था ये, है ना? आदमी का व्यक्तित्व जो है उसके इज्जत का निर्माण करता है, हर आदमी का एक अभाव के अंदर होता है। आप डरो मत, संगठित हो, संगठित होकर के ऐसा स्थिति से जुड़ो और लोगों को जाना जो जब मीटिंग हो आज आप आए अगली मीटिंग हो एक आदमी दस आदमी साथ लेके हो रहा है। और मैं दो बार डॉक्टर देशराज जी से, वकील साहब से, ये डॉक्टर सिंह से कहना चाहूंगा, सभा में केवल वही लोग विचार रखे जो एसएसपी के उद्देश्य को जानते हैं, जो मीटिंग अटेंड कर चुके हैं, जिन्हें कारनामों की जानकारी है, बाकी लोग केवल ऑर्गेनाइजेशन पर बोले, संगठन पर बोले और ये बोले हम संगठित कैसे हो सकते हैं। हमको ये नहीं बोलना है किसको बोलते हैं किसको बोलते हैं, ये हमको नहीं बोलना है। हमको एक ऐसा संगठन बनाना है जिसका वोट हासिल करने के लिए नेता उस समाज के पास जाके नाक रगड़े और उससे ये कहे कि हमको वोट बोलो है, हमको कैसा समाज करो। समझ रहे मेरी बात? सत्ता वाले के लिए समाज नहीं बना, सत्ता में बैठाने वाले लोगों को जो है हमें बनाना है, तो सत्ता में बैठेंगे हम तो उनको बैठ देखेंगे, अगर वो काम नहीं करेंगे तो कड़ा पकड़ के नीचे खींच लेंगे उनको कि तुमको बैठाना चाहिए और तुम यहाँ ये कर रहे हो, ये जो है। तो जिन लोगों ने बाबा साहब के नाम पर सब कुछ हासिल किया है, अरे मेरे यार हो, उसमें से अगर तुम्हारे पास 50 लाख है तो 50,000 ही सेंटर को दे दो, अगर तुम्हारे पास 3 फ्लैट है अरे ये कहीं दान दे दो, इसका कार्यालय बनाने के लिए तुम्हारे पास 500 बिल्डिंगें हैं, 500 कार है, एक गाड़ी दे दो इस आदमी को चलाने के लिए, मैं नहीं चलाऊंगा, ये नहीं चलाएगा, कार्यकर्ता चलाएंगे, वो लोग चलाएंगे जो इसमें आजीवन अपना समय देंगे। अब मैं एक बात करके बात खत्म करूंगा, आदर्श के लोग बहुत उदाहरण देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को आ रहा है शादी जी की, ठीक है शादी की लेकिन ना उस पर बहुत सारे लोग जो कुरे अन गए जिन्होंने होल लाइफ उस संगठन को दे दी, आज ही बन तक उसी में घुसे रहे उनको, और आदेश क्या है ये नहीं प्रधानमंत्री ये बनेगा, गला पकड़ा उसको हटा दिया दूसरा बैठा दिया। ना लोग ये समझ रहे हैं कि आरएसएस की हम नकल कर रहे हैं, आरएसएस कैसे बनेंगे, ये वो लोग हैं जो गीदड़ हैं, गीदड़ डराने वाले धमकाने वाले लोग हैं। मैं ये कहता हूं एक ने कारवां शुरू किया इसने, जहां गया धमला दिया जब वहां से हटा जब वो काम हो गया, ये कहते था मैं तो आज आम ले चलूंगा ले चलूंगा, ठीक है जेल में डालना डाल दो, ये जेल में गया इसके बहुत सारे साथी भाग गए, बहुत सारे लोग इसके साथ चले गए, मैंने इसको बोला भी था कि बहुत सारे लोग भागे गए बहुत सारे मेरे साथ रह जाएंगे, ऐसे आंदोलनों से मैंने अनुभव किया है, बहुत सारे लोग बोले थे इससे डॉक्टर सिंह जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, जो ये तो भी नाम थे ये तो आगे लगे खड़ा हो गया, तुम भागे भी तो जाएगा चक्कर में, जो मैं क्या कहता हूं तुम आगे चलो, मैं तुम सबसे कह रहा हूं ये तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था, इससे कह रहा हूं तुम आगे चलो, समाज के लोगों से कह रहा हूं क्योंकि जुल्म अत्याचारी करवाना है ना, तो तुम आगे चलो, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हम तुम्हारे टांगे तोड़ने का काम करेंगे ताकि तुम भाग नहीं सही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इस शब्दों के साथ जब चर्चा कर रहे थे कोई ये दे दो कोई दे दो, नोट सबके पास होंगे, ऐसा नहीं है कि भगत नोटों के आप ऐसे लोग जब बैठे हो तो सोच रहे हैं आज कोई देना तो हफ्ता तो नहीं देगा कहीं को, छोटा जो है जिस दिन तुम्हारे अंदर कौम के प्रति त्याग करने की भावना पैदा हो जाएगी, समझे ना,
सैकड़ों कथों के अंदर हर आदमी के अंदर एक बाबा साहब पैदा हो जाएगा, तब ये लोग इतने घबराएंगे, एक के मारे इतने परेशान है, और जब अब दिल के अंदर बाबा साहब बैठा होगा तब कैसा समाज होगा। मैं ये बात खत्म कर रहा हूं, आप भोजन करें।